नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफलता पूर्वक लड़ाई, टीकाकरण कवरेज 110 करोड़ के लैंडमार्क को पार। अशोक गहलोत, मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार होने की संभावना, 15 नवंबर को दिलाई जा सकती कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ। बंगाल में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को दी मंजूरी। नवाब मलिक पर अमृता फडणवीस का हल्ला बोल, कानूनी नोटिस भेजकर कहा माफी मांगे या फिर एक्शन झेलें। तमिलनाडु में जल जमाव से लोग परेशान, अगले 3-4 दिनों तक आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है जमकर बारिश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। विशेष सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में हुआ हंगामा, नवजोत सिंह सिद्धू बोले विपक्ष डर गया है। मुनाफा वसूली के चलते भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार हुआ बंद, सेंसेक्स 60,000 के नीचे फिसला। बेन स्टोक्स क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार, एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम से जुड़े। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की बेटी वामिका को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।